हमने आज सुबह भी कहा था कि जिस तरह से चुनाव रहा, चुनाव को हमने बॉयकॉट किया था, चुनाव कमीशन को भी बताया कि 80% से भी अधिक यहां पे रिगिंग हुआ है, प्रॉक्सी हुआ है। इसके उदाहरण मैं दे सकता हूं, आज एक बूथ में जहां 669 वोट पड़ा, सिर्फ 3 वोट बीजेपी को पड़ा, 3 वोट सीपीएम को पड़ा, बाकी 663 वोट टीएमसी को पड़ा। तो इस वोटिंग पैटर्न से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पे प्रॉक्सी वोट रहा। तो मैं समझता हूं ये चुनाव लोग का चुनाव नहीं है, किसी भी लोग को इस मत देने की उनको आजादी नहीं मिला, इन्होंने वोट को रोक करके खुद ही अपने वोट डाल के आए। परिणाम तो आ चुके हैं, अब क्या चुनाव आयोग ने किसी तरह की शिकायत? नहीं, शिकायत हम दे के रखे थे चुनाव के, जिस दिन चुनाव हुआ उसी दिन जब हमने सिचुएशन देखा था आमने सामने, आपने भी देखे होंगे जिस तरह से मुझ पर हमला हुआ, गाड़ी तोड़ा गया। 277 बूथों में से 201 बूथ से हमारे सभी एजेंटों को निकाल के भगाया गया है, मार के पीट के डरा के, और 89 बूथ में भरपूर रीडिंग रहा, प्रॉक्सी रहा। इस स्थिति में आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अपेक्षा यही है, जो जिस तरह से परिणाम आया हम जानते थे ऐसी आएगी। चुनाव के एक दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि आपने उन्हें कॉल किया और ऑफर दिया, जो भी थी कंट्रोवर्सी, आपको लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट? बिल्कुल नहीं, ऑफर कुछ नहीं दिया, वो बात को गलत तरीके से रखा गया है। मैंने कॉल किया और सभी को कॉल किया, एक प्रत्याशी होने के नाते मेरा ये अधिकार है, मैं सब तक पहुंचूं, और जो लोग हैं जिसके मैं घर घर पहुंचा, जिस तक नहीं पहुंच पाया उसको फोन के माध्यम से पहुंचा और उन सभी से आशीर्वाद मांगा, उनके शुभकामनाएं मांगा। तो मैं समझता एक प्रत्याशी होने के नाते किसी से शुभकामना या आशीर्वाद या वोट मांगने में कोई अपराध नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ या रिगिंग हुआ, तो कोई केस वगैरह सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट वगैरह में? देखिए, यहाँ तो चुनाव हो ही रहा है हाईकोर्ट के आदेश पर, लेकिन और पिछले पिटीशन जो मैं फाइल किया था 2021 की, उस पर भी वोट संतरास और काउंटिंग में हेरफेर की बात थी, चुनाव के दौरान हिंसा की बात थी। 2024 भी वही हम देख रहे हैं, क्या कहाँ कुछ अंतर हुआ बताइए? यहाँ पे यदि कोई भी आप मीडिया वाले घूम रहे हैं, घूमे होंगे चुनाव के दिन, आप अपने खुद के स्वयं के आंखों से देखे होंगे किस तरह से हिंसा रहा यहाँ पर। तो मैं जो जिस कारण से कोर्ट में गया था, एक बात तो साबित हुआ कि मैं सही कारण से कोर्ट में गया था, कि मानिकतला में चुनाव जो है बहुत ही हिंसात्मक है। टीएमसी के विनिंग कैंडिडेट सुप्रीत पांडे, उनके लिए क्या? मेरा शुभकामना है कि वो विधायक बनी, भले कैसे भी बनी, और अपना जिम्मेदारी को निभाए, दायित्व को निभाए, यहाँ के लोगों को परिसेवा दिया जाए। यदि मेरे तरफ से कभी भी कुछ हेल्प की आवश्यकता हो, सहयोग की आवश्यकता हो, मैं सदा तैयार हूँ। मैं चाहूंगा कि मानिकतला का उन्नयन हो, सही मायने में यहाँ की उन्नति हो, उसके लिए मेरा कोई योगदान रहेगा, मैं खुशी खुशी योगदान करूंगा।